फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज है संडे और संडे मतलब हॉलीडे होता है, लेकिन आज हॉलीडे नहीं है। हमारा आज वर्क डे था, पूरा वर्क हुआ है। देखते पीछे पूरा वर्क दिख रहा होगा आप लोगों को, पूरा घर का बेडशीट, मच्छरदानी, पिलो कवर, सब कुछ धुलाई करना पड़ा। पूरा टंगनी भर चुका है हमारा, हमारे हाथ बैठे नहीं बोलते इंडस्ट्री पे जो है कपड़े हमने हैंगिंग कर रखा है, तो वो पूरा भर चुका है। और भाई एक चीज़ मुझे और पूछना था भाई, हमारा घर में लौकी का जो ये प्लांट है बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अच्छा तो हुआ है बट फ्रूट जो भी आ रहा है ना इसमें, ये देखिए यहाँ से सड़ जा रहा है। तो ये जो सड़ जा रहा है ना इस तरीके से, इसके लिए क्या करें भाई? कोई कमेंट में मुझे बताइए, कोई सजेस्ट करिए भाई, क्योंकि इतना सारा प्लांट्स मतलब लौकी तो आ रहा है लेकिन वो ख़राब होकर गिर जा रहा है। पता नहीं लौकी हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जितना भी हो रहा है सब वेस्ट हो जा रहा है। हम तो फटाफट आज स्नान उस्नान कर लिए, पूरा चूल्हा वगैरह धुल लिए, गैस मतलब गैस धुल लिए, और आज पूरा घर सफाई करना पड़ा है। पूरा फर्श एकदम रगड़ा रगड़ी सफाई हुआ है, पूरा घर क्लीन कर चुके हैं। और अभी किचन में आए हैं, किचन का भी काम थोड़ा प्रोसेस में दे दिए। दाल चावल मेरा एक में पक रहा है, और बनाना है अभी मुझे ये बैगन का चक्का बोलते हैं हम लोग इसे एक ने। हाँ तो फ्रेंड, हम बता रहे थे कि अभी दूध बॉईल भी कर रहे हैं और दाल चावल हो गया है, कढ़ाई वगैरह सब उधर निकाल लिए और पूरा सामान फैला लिया भाई किचन में काम करने के लिए। अभी बैगन का ये चक्का बना रहे हैं, तरवा बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग के इधर में भी, वो सब तो ठीक है। और फिलहाल तो जब तक ये पक रहा है तो हम सोचे थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि स्नान करके आए बस थोड़ा सिंदूर लगा के और किचन में घुस गए, क्योंकि किचन का काम भी करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो और ये पालक की साग बनाना है मुझे, तो इसको भी फ्रेश करना है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। फ्रेंड, हम पहले थोड़ा सा मतलब कुछ मेकअप कर लेते हैं, जैसे ये लिपस्टिक लगाने से मतलब थोड़ा सा तो सॉफ्ट रहता है। और फ्रेंड थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिए हैं और फेस तो बहुत मतलब ड्राई ड्राई लग रहा है, तो हम लोटस का फेस क्रीम लगा ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा फेस बाल कटने वाली है। हाँ, आज हम अपना चूल भी कटिंग करने वाले हैं, बट शाम में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत सारा काम है। तो आज शाम में अपना हेयर कटिंग खुद करने वाले हैं। अभी थोड़ा बस फेस तो बहुत ड्राई लग रहा था स्नान करने के आने के बाद, अभी हम थोड़ा क्रीम लगा लिए हैं नाइट, सॉरी डे वाला, नाइट वाला तो नाइट में लगाते हैं बट अभी डे वाला लगा लिए। थोड़ा ऑयली दिखता है फेस, लेकिन चेहरे के लिए बेटर है, तो लगा लेते हैं थोड़ा। दिखा दे मम्मा, क्या दिखा दे? अभी हमारे घर में क्या हो रहा है ये देखिए, ये बच्चे लोग इधर में बेड में बैठे हुए, सारा बैड का सब कुछ निकल के सूखने चला गया है। और मेरा बड़ा मेरा बुग्गू नंगू है, ती बुग्गू नंगू है, ची 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 ची, पापा उसके मैच देख रहे हैं, बुग्गू नंगू हो गए, पेंटू खोल देता है वो, पता नहीं खोलना सीख गया है, खुद ही खोल के फेंक देता है। बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मेरा रोज़ का रूटीन वाला मेकअप है, क्योंकि रोज़ का रूटीन में हम भाई ऐसा ही मेकअप करके रहते हैं। और अभी काम करते करते हम आ गए हैं किचन, अब किचन का काम फटाफट निपटाते हैं। बाहर में ही है चटाई है, अभी हम किचन का काम फटाफट निपटाते हैं। भाई मेरे पति देव को भूख लग गया होगा, क्योंकि आज संडे है तो बहुत सारा काम था, काम तो कर लिए सारा, और बाबू लोग को भी स्नान कराना था, पूरा घर भी सफाई करना था, टोटल काम कर लिए, घर भी सफाई कर लिए, कपड़े भी धुल लिए, बच्चे को स्नान भी करा दिए, बच्चे को नाश्ता भी करवा दिए, बस भी हम नहीं खाए आज मॉर्निंग से, कुछ भी नहीं खाए, काम के चक्कर में काम कौन करेगा भाई। क्या करना है? ट्यूशन का पेन धुल दिए, धुल दिए, क्या करना है तुमको तो उस पेन का? अभी मम्मा को खाना बनाने दो, अभी कुछ बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड अभी हम बनाते हैं सब्जी फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं इन लोगों को खाना, तक दिखाते हैं इन लोगों को खाना हम कैसे खिलाते हैं। ओके, फ्रेंड मेरा एक आदत है, अभी से नहीं बहुत पुराना आदत है,
जब हम शादी करके भी अपने ससुराल गए थे तो उस टाइम मेरी मतलब जो सेकंड वाली उतनी बोलिए जो भी बोल दी थी थोड़ा दूर बाहर आ गए रे बाबा एक मिनट मिर्ची लेने झुके थोड़ा सा दूध गिर गया एक मिनट तो मिर्ची लेने झुके और पूरा दूध थोड़ा सा गिरा पूरा नहीं बस इतना सा गिरा थोड़ा सा गिर गया था तो अभी हम उसको थोड़ा सा सफाई कर ले नहीं तो फिर वो सूखने के बाद ना और गंदा हो जाएगा क्या हो गया बुकू को बुकू चॉकलेट खाने आया है बुकू तो चॉकलेट खाता है भाई सफाई हो गया सो फ्रेंड अभी हम पहले सबसे पहले साग का तैयारी कर लिए हैं पहले साग ही साफ करते हैं दूसरा पैन में हम वो क्या बोलते हैं बैगन का चक्का बना लेंगे अभी तो पहले एक काम अच्छे से कर ले और इसमें भी थोड़ा ऑयल रह गया है ना एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है ना उसको मैं सब कप में रख देते हैं ज़्यादा ऑयल थोड़ा ज़्यादा कम ऑयल खाना पड़ता है तो फ्रेंड ने बताने वाले थे कि मेरा एक आदत है कि हम जब भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा हम गाना गा गा के काम करते हैं तो मेरे शादी के बाद भी मेरा यही हाल था क्योंकि अपने मायके में भी हम काम करते थे तो गाना गा गा के काम करते तो मेरे दिल के द्वारे पति रही पापा आ रहे हैं बच गाओ तो मेरा जो आदत था तो मेरा जो आदत था तो ब्लॉग भी बनाते थे कभी कभी हम भूल जाते थे हम ब्लॉग बना रहे हैं और हम गाना गा के तो ब्लॉग भी बनाते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं शायद हम ब्लॉग बना रहे हैं और हम गाना गाना शुरू कर देते हैं याद आता है तो फिर हम चुप हो जाते हैं तो अभी तो हम भी साफ सफाई कर रहे हैं प्याज लाल होने के लिए दे दिए हैं जब तक ये सफाई होगा तब फटाक से धुल के मुझे देना है भाई और मेरा ये जो किचन का रेक है ना बहुत छोटा है लेकिन तब भी काम तो करना है तो काम कर रहे हैं तो फ्रेंड आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताई कीजिए और हम तो भाई किचन में भी बिजी हैं लेकिन किचन में बिजी रहते भी आप लोगों के साथ अगर बात कर ले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे पति देव बच्चों के साथ बिजी हैं देखिए पीछे दिख रहे हैं वो बहुत साई नेचर के बहुत शर्माते हैं मतलब क्या बताएं मेरा ब्लॉग देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा उनके बारे में वो बहुत कम मतलब वीडियोस में आना पसंद करते हैं और शर्माते भी बहुत हैं अगर उनको कुछ बोल दिया जाए बोलने तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे ऐसे घर में बहुत बोलेंगे लेकिन कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे और मेरी फैमिली के बारे में आप लोगों को क्या मतलब देख के कैसा लगता है हमारा फैमिली कैसा लगता है सो प्लीज़ ज़रूर बताइए और अभी तो फिलहाल हम दाल चावल साग और चक्का बनाने वाले जो बहुत टेस्टी बनने लगने वाला है क्योंकि मैं जल्दी जो चीज़ बनाऊँ ना हमको लगता है और भी मतलब टेस्टी बनता है मेरे ख्याल से क्योंकि फटाफट गर्म गर्म खा लेने से तो और भी अच्छा लगता है अभी फिलहाल हम इसको धुल के डालते हैं फिर सफाई हो गया है सो फ्रेंड ये देखिए हम दूसरा पैन चढ़ा दिया है क्योंकि सब्जी बनाना है जल्दी जल्दी तो पहले हम लाइटर मार देते हैं इसमें भाई और हम ये लहसुन मिर्ची पेस्ट बना लिए हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हम पूरा फैला रखे हैं उसको सफाई करना पड़ेगा देखिए पूरा हम कचरा इधर उधर फैला रखे हैं और ये पानी भाई देख के सोचिएगा मत क्या पानी क्यों रखी है पानी हम प्लांट को देते हैं जितना भी वेजिटेबल और दाल चावल जितना भी पानी था सारा भूल के एक जगह जमा कर दिए हैं तो वो सबको हम प्लांट में देंगे थोड़ा थोड़ा करके ताकि प्लांट को भी पोषण मिल जाए हम लोग तो खाते ही हैं बाकी प्लांट को भी थोड़ा थोड़ा खिलाना है और ये जो कचरा है ना इसको हम बड़ा प्यार से प्लेट में उठाते हैं और प्लेट में रख के ना इसको फिर प्लांट में ही देते हैं उसके नीचे साइड में जमी रख देते हैं ताकि उसको भी पोषण मिल जाए तो मेरा सारा काम किचन से होता है और गार्डन तक जाता है तो फिलहाल भी हम इसको रखते हैं नीचे साइड में सो इसको हम रख दिए साइड में और मेरा कढ़ाई भी दिख गया है तो साग तो इधर हम छाँक दिए हैं अब इधर तरवा बनाना है तरवा बोले तो चक्कर जो भी आप लोग भूलते होंगे तो भाई तरवा बोलते हैं और
बनाना शुरू करते हैं। सारी चीज़ धुल के रख दिए हैं, बैगन भी धुल के रख दिए हैं, क्योंकि इतना धुल धुल के दिखाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। ये कढ़ाई भी तो दिख गया, पर ये तेल क्यों दे रहे भाई, तेल तो यहाँ पे हम कप में निकाल रखे, जो एक्स्ट्रा ऑयल पड़ जाता है ना कढ़ाई में तो हम इसमें निकाल के रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी अंदाज़ा नहीं मिलता है कितना तेल दे नहीं दे, तो कभी ज़्यादा पड़ जाता है। तो फिर हम फिलहाल बनाते हैं, फिर बना के दिखाते हैं भाई क्या क्या बनाए हैं। तो फ्रेंड ये देखिए बन रहा है यहाँ बैगन का चक्का, और यहाँ बन रहा है साग, और इधर बन चुका है दाल और चावल, दोनों हम एक में ही बना लिए हैं। तो दिखाते हैं आपको, पहले बहुत ईजी काम कर लेते हैं। ये देखिए दाल चावल मेरा एक में कितने अच्छे से पक गया है। तो मेरी बेटी लोग देखती है कहती वाह मौसी आप तो बहुत ईजी से कर लेते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो शायद आप लोगों को किसी को भी अच्छा लगे हमारा ये वीडियोस, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ये निकाले हम चावल, निकाल लिए चावल, देखिए कितना सारा चावल है ना, और इधर में दाल है। तो दोनों भाई मेरा 2-in-1 काम हो गया, चाहते तो इसमें आलू भी बॉईल कर सकते थे, लेकिन नहीं कि आलू मुझे ज़रूरत नहीं था इसलिए आलू हम बॉईल नहीं किए। बाकी जो तो दो सब्जी तो ऐसे बना रहे, कितना खाएंगे, दो जन हैं कितना खाएंगे। जैसे खाना कंप्लीट होने वाला है तो बाबू लोग बाहर बैठ रहे हैं मैट पे, उन लोग बाहर नहीं मैट पे, बेड पे ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि नीचे में खिलाने में थोड़ा सा कम्फर्ट फील होता है, बच्चे लोग हैं छोटे छोटे इस वजह से। और अभी मेरा साग और सब्जी होने वाला है, तो उनके लिए चावल दाल निकाल देते ताकि ठंडा हो जाए। सो फ्रेंड ये हम निकाल लिए हैं खाना इधर में इन लोगों के लिए, अब लेके चलते हैं हम बाहर। बाबू दाल चावल एक प्लेट खाता है, इसमें है ना मम्मा दे रही है। तो बाबू लोग इधर अब खाना स्टार्ट करेंगे और खा के बताएंगे कैसा बना है, पर अभी नहीं बताएंगे तो खाना बहुत गर्म है। ये देखिए लोग ये खाना खाने से पहले मन से पढ़े हैं, इसीलिए हम दिखा रहे थे। देखिए लोग हर रोज मन से पढ़ के तभी खाना खाते हैं, तो गुड है मिठाई सब। तो आपके भी घर में अगर ऐसा होता है तो बताइए। और बाकी तो हम खाना बनाते हुए हम लोग खिला रहे हैं बिल्कुल गरम गरम, और ये भी अभी और बनाना बाकी था तो बना ही रहे हैं भाई। मेरे पापा को ये सब्जी बहुत पसंद पड़ता है, मतलब जब भी बनाते ना तो याद तो आता है मेरे पापा को ये सब्जी, करेला का वो मसाला भर के जो बनाते हैं ना, तरवा बोलते हैं, पता नहीं क्या तरवा बोलते हैं। तो वो सब मेरे पापा को बहुत पसंद, शादी से पहले हम हमेशा पापा के लिए बनाते थे, कभी नहीं बनाते हैं। कैसा बना बेटा खाना? आप बताइए ना, उसका पास तो सामान ही नहीं है, सामान तो आपके पास में। अच्छा तो आप खा के बताइए कैसा बना। अच्छा लगा इसलिए तो इसको बताया नहीं, बताना नहीं था। हाँ पापा को बोला सब मिला मिला के खाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड जी उनको बोले आपको भी खा लिया, सुबह से खाए नहीं। खुद देखिए टेस्टी है। अच्छा बना है खाना। तो बात है आज सुबह से कोई भी खाना नहीं, कुछ मतलब नियम था करना, इस वजह से बताए नहीं आप लोगों को। तो सारा काम करके उसके बाद ही कुकिंग करना था, तो हम सारा काम करने के बाद ही कुकिंग किए। तो बच्चे लोगों को पहले खिला दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कैसे हम सब तेज सब भूखे हैं, और इसीलिए फटाफट सारा काम कर लिए। सो फ्रेंड कुकिंग का काम हो गया और हम आ गए अभी रूम में। और बाबू देखिए छोटा वाला क्या कर रहा है। बेटा क्या कर रहे हो इस रूम में? पूरा रूम का मतलब बाहर का कपड़ा धुल के ला के रख दिए हैं, जब शाम में थोड़ा फ्री होंगे तभी हम सारा कपड़ा मतलब समेट के चप्पो चप्पो के रखेंगे।
अभी सुबह से फुर्सत नहीं था इसीलिए, तो अभी जो जो काम पहले होता है वो पहले कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। बाकी बात क्या कपड़े से किसको भूख लगने वाला है इसलिए बाद में कर लेंगे। अब गो हाई करो, हाई हाई करो। सो फ्रेंड ये हाई नहीं करेगा और ना बाय करेगा क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है। सो फ्रेंड अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए और हमारा फैमिली ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और तो और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और इससे पहले मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बहुत सारा गिफ्ट दिया, जैसे वैलेंटाइन डे में मेरी एनिवर्सरी में, जो वैलेंटाइन डे तो 14 तारीख को था और 15 तारीख को मेरा एनिवर्सरी था। सो हम लोग अपने शादी के टाइम में सोचे थे कि मेरा शादी ना 14 तारीख को ही हो, बट नहीं हुआ। पंडित जी कोई दिन ही नहीं निकला, पता नहीं क्यों नहीं निकला, अभी भी शायद नहीं निकलता होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन हमारा वैलेंटाइन डे और एनिवर्सरी दोनों ही बेस्ट रहा। सो आप लोग प्लीज़ वो वीडियोज़ हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और हमारे हस्बैंड जी ऐसे ही बेचारे बहुत बोले हैं, प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जितना बोले थोड़ा या क्या बहुत ज़्यादा ही कमी है। सो ऐसा ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। माता रानी तब तक आप लोगों का सबका रक्षा करें, तब तक तो बाय बाय।